अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ पुल शाहदोला। यहाँ पीछे के देख रहे हैं, ये एक शाहकार है। तो आए जी, इसके आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं और इसके बारे में आपको जो भी हमारे पास मालूमात है वो देने की कोशिश करते हैं। ये है जी पुल शाहदोला, जिला गुजरांवाला में वाक़ है, तहसील कामों की, इलाका थाना वांडो, चौकी गुना। और ये पुल शाहदोला जी बड़ा एक तारीखी पुल है। ये मुगल दौर में तमीर किया गया। ये पुरानी शाही गुजरगाह है। पहली सदी ईस्वी में राजा विक्रम आदित्य ने इसको तमीर किया। शेरशाह सूरी ने इसकी ना सिर्फ तमीर व मरम्मत करवाई, इसकी तौसी की, बल्कि इसके साथ दरख्त लगवाए, सराय बौलियाँ वगैरह भी तमीर की। एक यहाँ पे कुआँ है, वो भी बाद में आपको दिखाते हैं। ये जो पुरानी गुजरगाह है ना, ये आपने ध्यान में रखना है, ये गुजरांवाला को अमृतसर और दिल्ली से भी मिलाती थी। असल जीटी रोड ये है। अब ये जो तरीकी पुल है ना, ये बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है, ख़ासकर जब ये मोटरवे बनी है तो यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरी है, जिसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया इस पुल को। और जब ये मोटरवे तबीर की गई तो सुनीदा इस पुल को गिराने लगे थे, लेकिन अहले इलाके ने कहा नहीं, ये हमारा एक तरीकी विरसा है, ये हमारी पहचान है, हम इसको कतई तौर पे नहीं गिराने देंगे। तो ये नहीं गिराया गया। तो आए जी यहाँ से कोई किसी आदमी से मिलते हैं, उससे पूछते हैं, वो हमें इसके बारे में कुछ बता सके। तो दोस्तों, पुल शाहदोला से ये दो शरीफ आदमी मैंने पकड़ लिए हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने हमें वक्त दिया है, मोहम्मद यासिन साहब और शफीक साहब। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹ? ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਿਆ ਕਸਟਮਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮਰੂਫ ਗੁਜਰਾਤ ਮੇਂ ਬੜੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਦਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸਨ ਮਨਾਰ। ਉਹ ਬੁਰਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ? ਬੁਰਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਹਨ? 4 ਸਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆਰ ਸੀ ਆਸ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਆਈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਲੈਦਾ, ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰ, ਮੋਢਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਮੋਢਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ 8-10 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੀਵਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਚੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਖੜੇ ਸਨ, ਖੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਦਰ ਤੈਅ ਪਏ ਸਨ, ਪਏ ਸਨ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐੜੀ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੀਕਰ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ, 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੜ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਜਿਹਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ। अच्छा, यानी कि जेड़ा है उरला पोले ए डिग्गा है, ये बता रहे हैं जी, ये सामने पत्थर, पत्थर तो नहीं कह सकते हम इनको, ये जो टुकड़े पड़े हुए हैं दीवारों के, चौड़ी चौड़ी दीवारों के टुकड़े हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई देख के मैं हैरान हो रहा हूँ, कितनी मेहनत से तमीर किए गए होंगे ये। वो बता रहे हैं कि इनकी बिल्कुल लाइन में यहाँ पे दीवार है जी, दो दीवारें हैं, 3 फुट विच ना, 35 फुट दा विच दरानिया विच, यानी कि जिवें पुल चुंदा है। हां, पुल चुंदा है। क्या बात है, क्या बात है। जो हमारे पास मालूमात थी जी, वो हमने आपको दी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई मालूमात है इस पुल के बारे में, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप। और ये देखें कितना खूबसूरत और शानदार शाहकार सा है जी ये। और तुसी इहदे बारे कोई
इनू सुनिया कोई डिगन लगे हन डिगन लगे सन ते इह जिहड़े अपना सारे कदीमा वाले ना उन्हां ने इनू डिगन दित्ता नहीं पिंड वाले भी क्या के बहन डिगन देना पिंड वाला आख्या ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਦਾ ਕਰ ਲਓ ਲਾਂਭੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਡੇਕ ਲਾਂਭੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੈਗੀ ਬਸ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਾਦੀ ਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੇਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਇਹ ਪੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਲ ਜੂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਹਾਓਗੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੂਵਾਂ ਖੂਹ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਠੋ ਜੀ ਓ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਫੁੱਲ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਨਕੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੇ एक के नीचे मैं आया हूँ तराड़े पड़ चुकी हैं ठीक है बताने वाले बताते हैं जब मोटरवे बनी है तो यहाँ से इतनी गाड़ियाँ गुजरी हैं कि जिनके बोझ ने इनको मजीद शिकस्ता कर दिया है ये देख रहे हैं जी दीवारें ये बता रहे हैं कि इस तरह की दीवारें तवील फासले तक हैं कब्रें भी साथ साथ मिल वो कह रहे हैं जी ये देखे सड़क के आसार और दीवार के आसार क्या बात है जी और ये देखें हमारे आसार विरसे से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इन ईंटों की लंबाई चढ़ाई मुलाहदा फरमाएं और ये देखें सिमट ये देखें सिमट है हैं आओ कुछ समझ आ रहा है आपको वैसे मैंने इसको तोड़ा मुझे अफसोस हो ये सामने पानी की गुजरगाह देख रहे हैं आप जब उस पुल को तमीर किया गया तो पानी को यहाँ से गुजारा गया था वाह हमारे गुजरांवाला में इतना कुछ है कि आप हैरान रह जाएं देख रहे हैं जी कैसा महसूस हो रहा है आपको आपका अपना गुजरांवाला पानी की गुजरगाह और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप बेशक गुजरांवाला में रहते हैं अगर तो आप इस इलाके के रहने वाले हैं आप मुस्तस्ना हैं आपको मुस्तस्ना हासिल है लेकिन अगर आप इस इलाके के रहने वाले नहीं हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप शायद ही यहाँ पे आए हों शायद ही दीवारें देखें जी इनकी मोटाई देखें अब तो ये मनोहदम हो चुकी हैं पीर शाह दौला साहब जिन्होंने इसको तमीर किया इस्लाम की तबलीग की और अनमिट नकूच छोड़े आज भी उनका जो मज़ार है गुजरात में अकीदतमंद वहाँ बड़े अदबो एहतराम से जाते हैं ये भी उसी स्पेलवे का हिस्सा है वहाँ पे तो तीन रास्ते थे पानी गुजरने के यहाँ पांच हैं बता रहे हैं पांच हैं लेकिन वो ज़मीन दो हो चुके हैं ये सामने दरख्त है जी दरख्त के नीचे कब्रें हैं और ये मोटरवे है और बता रहे हैं जी ये सड़क जहाँ तक जा रही है वहाँ तक ही ये दीवारें साथ साथ जा रही हैं ये देखें दीवारें मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ ये देख रहे हैं दीवारें जब पुल की तमीर की गई तो पानी यहाँ से गुजारा गया था उसके सार अब भी यहाँ पे मौजूद हैं ये देख रहे हैं आप बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार देख रहे हैं जी वो जो तीन पानी की गुजर गए थी वो ये हैं
पहले आपको एक साइड दिखाई, अब दूसरी साइड दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार, खूबसूरत, बाकमाल, लाजवाब, क्या बात है जी, क्या बात है जी। ये है जी कुआं, और यहाँ बता रहे हैं। अच्छा, तुसी आप इन्हें चलता वेख्या है? तुसी पानी भी पीता है, नहाते भी हो? इहदा मतलब है कमाल पानी होना फिर तो। बहुत मीठा पानी है, मीठा पानी। आप देख रहे हैं दीवारें इसकी जी, इस कुएं की दीवारें देखें, बारीक ईंट से बनी है। और मेरा ख्याल है आज तक मैंने जितने भी कुएं देखे हैं, शायद इस साइज के बहुत कम देखे हों। बहुत बड़ा साइज है इसका, कतर बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा नज़दीक मैं इसलिए नहीं जा रहा, आपको पता है कुछ तो मैं है मोटा उत्तों, मैं सुस्त हाँ। वह ना भी डिग पे, तो पिंड कहना सवेरे ही क्ढा भाई तेन आराम कर रात इतें ही। तो आओ जी एक बार फिर चलने, थोड़ा पुल का नज़ारा करने। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।